आए सभी लोग आ गए। मैं आवाज क्लियर जा रही है मेरी। पिछले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली थी। इस लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके आगे हम वेक्टर प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। आज की तारीख हमारी 6 तारीख है, यहाँ पे 6/8/2020। ठीक, आइए बुक्स के बारे में जानकारी है ही। लेक्चर नंबर 4 रहेगा हमारे, इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हुए हैं। इस लेक्चर में जो फोकस रहेगा वो क्रॉस प्रोडक्ट पे रहेगा, बाकी थोड़े बहुत रिविजन रहेंगे इसके। हमने पिछले बार में जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट देखा था, डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि बीच में हम डॉट इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि बीच में हमने डॉट इस्तेमाल किया और ए डॉट वी लिखते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज ये नाथन इदा नाम की बुक में से मिल जाता है। ये आपको डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्लाइड आप तक पहुंच जाएगी। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस डॉट के कारण ही इसको हम बोल रहे होते हैं डॉट प्रोडक्ट। एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमने रखा हुआ है ए और बी, एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। दोनों के बीच का जो छोटा एंगल होगा वो ए एंड बी के बीच की एंगल को हम लेके चल रहे होंगे। स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है यानी कि ए डॉट बी प्लस सी होगा, ए डॉट बी और ए प्लस ए डॉट सी भी हो जाएगा। इसके विवेचना पर अगर हम देखें कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मेरे पास यू है, ये वेक्टर ए है मेरे पास में, दूसरा वेक्टर है मेरे पास में यू, ये वेक्टर मेरे पास में है, तो थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर जो हमारे पास में, ये वेक्टर है बी। आप इसका जब कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे ड्रॉ किया, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये जो लाइन हमारे पास बन के आती है, इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं बी कॉस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का जो इस बात का ध्यान रखेंगे कि छोटा वाला एंगल लेना, ऑब्ट्यूज एंगल नहीं लेना, यानी कि अगर आप ड्रॉ करने देखेंगे इधर भी एक एंगल बन रही होगी, तो ये वाली एंगल जो यानी कि थीटा एक्स वाई में बोल रहा हूँ, आपको थीटा एक्स वाई कैलकुलेट नहीं करना है। जो मिनिमम एंगल, जो छोटी एंगल होगी उसको हम ए और बी के बीच के एंगल को मान के चल रहे होंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकाल के चल रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि ए डॉट बी है, स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या डॉट प्रोडक्ट बोलिए, स्केलर प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट स्केलर आएगा इसका, इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए इसको हम बोलते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे थे दोस्त, तो मान के चलते कि हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, वेक्टर ए जो हमारे पास है, इसका ए एक्स की दिशा में ए एक्स है, सॉरी एक्स की दिशा में ए एक्स है, वाई की दिशा में ए वाई मैग्नीट्यूड लेके बैठा हुआ है ये, और जेड की दिशा में ए जेड मैग्नीट्यूड लेके बैठा है। उसी तरीके से हम अपना बी वेक्टर भी डिफाइन कर देते हैं, बी वेक्टर भी रिप्रेजेंटेड है बी एक्स की दिशा में बी एक्स है, वाई की दिशा में बी वाई है, और जेड की दिशा में बी जेड वेक्टर हमारे पास में है। अब अगर हम ए डॉट बी करते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, तो ये बराबर होगा बी डॉट ए के, ये कम्यूटेटिव प्रोडक्ट है ही इसका। इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आउटपुट इसको क्या लिख रहे होते, तो क्या हो जाता है ये ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और बीच का जो एंगल होगा कॉस थीटा बिटवीन ए एंड बी, ये इसका मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर आउटपुट, इट विल बी स्केलर आउटपुट, स्केलर आउटपुट ही रहेगा इसका। यहाँ तक बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। हमने ये भी बताया था कि मल्टीप्लाई जब करेंगे इसका तो सामने सामने वाले का, यानी कि एक्स के साथ एक्स नहीं करेंगे, एक्स डॉट वाई करेंगे तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। कैसे हम थोड़ी देर में देखते हैं, बट इसका आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटपुट विल बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसका ये आउटपुट रहेगा। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल कर लेंगे, तो दोनों सेम ही चीज बता रही हैं। इन दोनों कंपेयर करके हम बीच का एंगल थीटा निकाल सकते हैं, ए बी का मान निकाल सकते हैं, जो भी चीज कमी रहेगी वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखने वाली ये बात रहेगी कि अगर आपके पास में x
डॉट एक्स करते हैं, यानी कि सेम सेम डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड वन पहला वाले का, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड वन, और बीच का जो एंगल आएगा वो हो जाएगा कॉस, बीच का एंगल कितना है, जीरो डिग्री है, कॉस जीरो की वैल्यू हो जाती है वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी वन, यानी कि वन डॉट वन डॉट वन इक्वल्स टू वन। उसी तरीके से ही y डॉट y करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगी, और z डॉट z करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 आ जाएगी। ये सभी क्या है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। अगर 180 डिग्री होता तो माइनस 1 आ जाता, यानी कि दो वेक्टर अपोजिट है तो इनका प्रोडक्ट माइनस आएगा, ये बस यही कहानी इसमें रहेगी। अब अगर हम उल्टा काम करते हैं, x डॉट y करते हैं, x डॉट y किया गया है, तो इसमें 1 डॉट x का मैग्नीट्यूड 1, y का मैग्नीट्यूड 1, और बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा cos 90 डिग्री, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से आप करेंगे y डॉट z करेंगे तो भी 0 आएगा, एंड z डॉट x कैप करेंगे तो भी आपको 0 आएगा। इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, इसको लिखते हैं ऐसा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ये कहानी हमारे पास मिल जाती है। नेक्स्ट, इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एक डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो कहानी क्या बोलता है हमें, किस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। तो मान के चलिए कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उस एग्जांपल में हमारे पास में 2.3 करना है आपको। तो 2.3 करने का क्या मतलब हो जाता है, कि आपके पास कोई क्वांटिटी है, दो हिस्से में है, एक ये दो बक्से हैं आपके पास में, इन दो बक्सों को आपको तीन बार ऐड करना है, ये 2 1 टाइम हो जाएगा, ये 2 2 टाइम हो जाएगा, और ये 2 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि 2 once 2 twice and 2 thrice। तो जो 1 आया ये 2 into 1 2 into 2 2 into 3 हो गया, यानी कि टोटल काउंटिंग आप करेंगे तो 6 मिल जाएगा, आपने काउंटिंग ही करी है। तो डॉट प्रोडक्ट जो है एक काउंटिंग वैल्यू देता है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, मान लीजिए आपके पास एक स्केल है पड़ा हुआ, आपको स्केल में 2 काउंट कर लीजिए, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ऐसी ही काउंटिंग आपको और 2 बार करनी होगी, 1 2 फिर 1 फिर 2, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपने किया 6 कैसे आया, 2 into 3 से आया। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सेम डायरेक्शन में देने वाला है हुआ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन। अब बोलोगे सर ए और बी तो सेम डायरेक्शन में नहीं थे यहां पे, तो आप देखिए हमने बी का ए की तरफ वाला हिस्सा निकाला है जो कि बी कॉस थीटा है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने ए इंटू बी कॉस थीटा, हमने ए इंटू बी डायरेक्ट नहीं किया है, तो ए की तरफ बी का क्या हिस्सा रहेगा उसको लेके हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। उसी तरीके से ही यहाँ पे 2 into 3 किया तो एक ही दिशा में आता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। इससे कहानी आप ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन और सेम एक्सिस, इन सेम डायरेक्शन और सेम एक्सिस, एक ही एक्सिस के तरफ इनके कहानी रहेंगे। ये क्या बता रहा है, तो नंबरिंग बताता है, काउंटिंग का शो कर रहा होगा हमारे पास में ये चीजें, नंबरिंग यहाँ पे लिखा लिखा आप लिख दीजिए, दिखाता हूँ, इट सिग्निफाइज नंबरिंग और काउंटिंग, ये नंबरिंग या काउंटिंग को सिग्निफाई कर रहा होगा। यहां तक कहानी सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को इसमें विद्यार्थी, चलिए लेट लेट बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। पिछली बार जो हमने एक न्यूमेरिकल दिया था उस न्यूमेरिकल हम जरा फोकस करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन
ये होमवर्क में आपको दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि हमारे पास में एक वेक्टर ए है जिसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 2x कैप प्लस 1y कैप प्लस 3z कैप थी, और एक वेक्टर बी दिया गया था आपको, और वेक्टर बी की जो वैल्यू थी वो थी 1x कैप माइनस 3y कैप प्लस 2z कैप, यानी कि x, y और z की दिशा में इन वेक्टर्स का मान क्या क्या है वो पता करना था। तो आपको पता करने के लिए दो चीजें दी गई थी। पहली चीज आपको पता करनी थी a डॉट b की वैल्यू क्या होगी, और दूसरी चीज आपको पता करनी थी कि एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, यानी कि थीटा ए बी आपको पता करना था। तो आपके पास थीटा नहीं, a डॉट b पता कर सकते हैं? हाँ, तो आप देखिए ऊपर में जो इक्वेशन हमने लिखा है, इक्वेशन वन और टू इन दोनों का सहारा लेंगे, यानी a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये y थोड़ा बड़ा हो गया, ए वाई बी वाई एंड इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए ax की वैल्यू कितनी है, 2 है, bx की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां से हमने उठा लिया, प्लस ay की वैल्यू कितनी है, 1 है, by की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 है, इसको हमने यहां पर रख लिया, प्लस az की वैल्यू कितनी है, 3, और dz की वैल्यू कितनी है, 2, इसको मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इक्वल्स टू a b cos थीटा a b। यहां से आपको मान निकल जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा और उनके बीच का एंगल, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 हो जाएगी, यानी हमारे पास मिल गया हुआ है ए बी कॉस थीटा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 5। और ए और बी का मान पता करना है, तो हमारे पास वेक्टर ए दिया हुआ है उसका मान निकाल लेंगे, वेक्टर ए कितना है हमारे पास में, 2, 1 और 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट कर लेते, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ही करते थे, पहले ही बताया जा चुका हुआ है, ये कितना आ जाएगा, 4, अच्छा 14 का रूट आ जाएगा, आपको इतना ही तक रखना, 14 का रूट तक ही रखना। उसी तरीके से ही आप बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम क्वान्टिटीज हैं, इसमें भी है 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, ये भी आ जाएगा 1 × 14 का रूट। यहां तक क्लियर है सभी को? ऊपर वाले इक्वेशन में रख दीजिए, a के मान कितना है, 14 का रूट कहां पे रखना है आपको, यहां से ये उठा ले, यहां पे आपको रखना है 14 का मान डॉट b का मान इज इक्वल इनटू cos थीटा a एंड b एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। 5 कहां से आ गया, 5 आपके यहाँ से उठाते, इसी क्वेश्चन में हमने रख लिया हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 14 पड़ा ही हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते होंगे, cos थीटा a एंड b विल बी इक्वल्स टू 5/14, रूट 14 मल्टीप्लाई 5/14 हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर में, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/14 इक्वल्स टू, बोलिए कितना आ रहा है, 69.69 बस, ये आपका सोल्यूशन है, दोनों कंसेप्ट मिल गए। अब जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इन दोनों को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके रख रहे होंगे। हाँ, जब आप 5 मार्क्स के सवाल आपको दिए जाएंगे उसमें आप अपना लिख रहे होंगे, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको करके रखने होंगे, मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ, यहाँ पे खींच लेता हूँ, चला गया नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वॉज इक्वल्स टू 5 and theta a and b is equals to 69.1 degree, और अपने आंसर को डब्बे में बंद कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर, ताकि फैकल्टी का नजर इस पे ही सबसे पहले पड़े। कोई डाउट इसमें किसी को भी विद्यार्थी? No. नहीं, ओके, गुड, क्लियर है यहाँ तक कहानी सभी के लिए। हम आगे चलते हैं इससे कि अब हम अपने वेक्टर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि हमारा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे होता है, मैं ही कहानी पे चलेंगे।
अभी तक हमने बताया था कि दो प्रोडक्ट देखेंगे, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, आउटपुट स्केलर आ सकता है या आउटपुट वेक्टर आ सकता है। स्केलर वाला आउटपुट हमने देख लिया, उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, सारी कहानियां भी लिखी हैं, ये पूरा का पूरा पेज आपको पहले ही बताया जा चुका हुआ था सारी चीजें यहाँ पे। तो जिस तरीके से हमने स्केलर प्रोडक्ट में ए की तरफ बी को लेकर आए थे, तो बी का एक दूसरा हिस्सा होगा जो ए से परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम बी साइन थीटा बोल रहे होंगे, अब उसका यूज कर रहे होंगे हम यहाँ पे। आइए पहले डेफिनेशन एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ये दोनों वेक्टर्स होंगे हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, यहाँ पे छूट गया हुआ, इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, एंड इज डिफाइंड एज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी कौन कौन सी ए और बी ऑफ द टू वेक्टर, साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल, दोनों के बीच का साइन का एंगल लेना है, बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हाइल द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच द टू वेक्टर लाइन। ये डेफिनेशन हो गए, कहानी समझने के लिए मैं अभी डिस्क्राइब करके आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम वेक्टर्स को अगर लेके चले कि हमारे पास जो दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, कि एक वेक्टर इधर है, दिस इज वेक्टर ए, एक वेक्टर को यहाँ पे ले लेता हूँ, दिस इज वेक्टर, वेक्टर ए, ये ठीक है, ये वेक्टर है बी। अब बी के कंपोनेंट्स हमें तोड़ने हैं, बी को कैसे तोड़ सकते हैं, जरा से देखिए कि अगर इस डायरेक्शन को मैं एक्स मान लूं, इस पे 90 डिग्री है मेरे पास वाई, तो अगर मैं ए को रिप्रेजेंट करूं तो ए मेरा इसी डायरेक्शन में बैठा हुआ है, यहाँ पे ये वेक्टर ए बैठा हुआ है, ए का कोई कंपोनेंट तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में। लेकिन अगर मैं बी को कंपोनेंट में वाइज तोड़ना चाहूं, मेरे पास वही चीज वेक्टर्स के हैं, यह है एक्स की दिशा, ये हो जाएगी वाई की दिशा, यहाँ पे भी कैप लगा देता हूँ, डायरेक्शन शो कर रहे हैं हमारे पास में। इस प्रकार मैं अभी बी को लेकर चलता हूँ, ये है मेरे पास में बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट जो हो जाएगा नीचे की तरफ जो आ जाएगा, यहाँ पे थीटा मान के ही चलना है कि इसके बीच एंगल जो है वो थीटा है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे के ग्राफ में मेरे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी बी कॉस थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा, और इस वैल्यू का जो मान हो जाएगा, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस वैल्यू विल बी बी साइन थीटा। अब देखिए कि जो बी साइन थीटा आएगा वो किस डायरेक्शन से आएगा, बी साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स, यानी कि वाई की तरफ होगा, वो इस तरीके से होगा ये बी साइन थीटा, और बी कॉस थीटा किधर जाएगा, बी कॉस थीटा विल बी लाइक दिस डायरेक्शन। तो ए और बी कॉस थीटा जो कि एक्स एक्स दिशा में थे, उनका हमने प्रोडक्ट पहले देख लिया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी साइन थीटा को रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, जो कुछ इस तरीके से आपको आ रहा होगा, इधर से आ जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बीच की एंगल थीटा रहेगी, थीटा ए और बी के बीच की एंगल है, यहाँ पे भी ए और बी के बीच एंगल रखेंगे, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे कहानी घूम के आ रही होगी। अब जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस आप देखेंगे तो आपको जल्दी ज्यादा समझ में आएगा, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, वापस से भी 2×3 करना है, पहले हमने 2.3 किया था, 2×3 = 6 लेके आए थे, इसमें क्या करेंगे आप, जरा ऐसा समझिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें टोटल 3 हिस्से ऐसे और 2 हिस्से यहाँ पे, यानी कि 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक, यानी यहाँ पे 1, 2 और 3 है, इसमें टोटल कितने ब्लॉक आपको काउंट करने अगर हों तो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5 और ये हो जाएंगे ब्लॉक 6, टोटल 6 आ रहे, पहले भी 6 आ रहे थे, अभी भी 6 है, लेकिन अभी फर्क आ गया, क्यों, क्योंकि 1 और 2 इस दिशा में जा रहा है, 1, 2 और 3 इस दिशा में जा रहा है, रो एंड कॉलम्स का दिशा हो गया, तो ऐसा जब बन के आया तो आपने एक एरिया कैप्चर किया, एरिया क्या है, तो मैं रेड कलर से शेड करता हूं, जो वो आपको एक एरिया दिखाई दे रही है। तो 2×3 जो हमने किया, जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे जो अलग तरीके से हमने देखा, दैट शोज अस एरिया, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एरिया से लेके आएंगे, तो जो क्रॉस हमने किया है उसको आपको एरिया जैसा समझना है, दो चीजों का मल्टीप्लाई, यहाँ भी तो हम वही कर रहे हैं। अब देखिए बी साइन थीटा और ए को आप देख लें, तो ए जा रहा है ऐसे, बी साइन थीटा जा रही है ऐसे, दिस इज बी साइन थीटा, यहाँ पे जा रहा है ए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट आप ले लेंगे, ये वाली लेंथ भी ए ही रही होगी, ये वाली लेंथ भी
बी साइन थीटा जैसी रही होगी, आपको क्या मिल जाएगा? इसके अंदर जो रेड कलर का पोर्शन शेड कर रहा हूँ तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो पहले वाला जो डॉट प्रोडक्ट था वो मुझे एक काउंटिंग वैल्यू देता था, गिनती देती थी कि मेरे पास दो आम है, ऐसे आम छह बार खरीदूंगा तो कितने हो जाएंगे, 2×12 आम हो जाएंगे मेरे पास। यहाँ पे एरिया बता रहा कि मेरे घर का एक कमरा 2 फुट का है, उसकी लंबाई 2 फुट की है, चौड़ाई मेरे 6 फुट की है, तो 2×6=12 आ जाएगा। इस तरीके से आपको समझ के चलना है कहानी। तो जो एरिया का सिग्निफिकेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि एरिया इज ए वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे, आपको जरा समझिए यहाँ पे कि आपके पास एक कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है ऐसा, आप 3D में जरा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो, इसको देख रहा हो, कोई एक बंदा इधर से तीर चलाएगा, इसके शेडिंग में कर देता हूँ ऐसा, ये वाला जो शेडिंग है ये वाला रेड साइड है और उल्टे साइड जो बैठा हुआ वो ग्रीन साइड बैठा हुआ है बंदा। जब एरो लेफ्ट से राइट जाएगा, यानी कि मैं इसको बोल देता हूँ, या तो क्या बोल देता हूँ, लेफ्ट, इसको बोल देता हूँ राइट। तो जब लेफ्ट से राइट एरो जाएगा तो पहले रेड वाले पोर्शन को टच करता हुआ जाएगा, लेकिन अगर एरो उल्टे डायरेक्शन से आता है, राइट से लेफ्ट एरो जाएगा तो पहले वो ग्रीन साइड को छेदता हुआ या ग्रीन साइड को टच करता हुआ निकल जाएगा, वहां से उसको फायर करता हुआ जाएगा। तो जाहिर सी बात है एरो का डायरेक्शन बदल देने से आपके पास ये जो पेपर का टुकड़ा था या जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा था जिसपे आप एरो चला रहे थे, उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बदल जा रही हैं। एरिया वही रहेगा, कितना उसका डायमेंशनिंग हो रही है वो डायमेंशन सेम ही रहेगी, एक्स वाई सॉरी एबीसीडी नाम देता हूँ, ए बी सी और डी। एबीसीडी वाला जो आपके पास ये जो बोर्ड था उसमें दो अलग अलग साइड रहेंगे रेड ग्रीन, एरो चलाने के डायरेक्शन बदल देने से आपका आउटपुट बदलेगा, क्योंकि पहले रेड से एंट्री लेके ग्रीन से बाहर निकल रहा था, दूसरी बार ग्रीन से एंट्री लेके रेड से आउटपुट ले रहा है। तो एरिया जो आपने डिफाइन करी है उसका एक दिशा हो जाएगी। यानी आप मास्क पहनते हैं तो मास्क में भी होता है भाई, जो मास्क बाहर के साइड आपका है और जो मास्क चेहरे पे टच हो रहा है इन साइड, आप बलट से पहन लोगे तो आपको कोरोना हो जाने वाला है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जाहिर सी बात है मास्क एक सरफेस एरिया लेके बैठा हुआ है, तो मास्क का डायरेक्शन है आउटसाइड एंड योर इनसाइड, तो उसको डिस्पोज करते टाइम भी इसका ऐसा ध्यान रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, अगर आपका ये मास्क है तो मास्क का एक रेड साइड होगा जिसको आपको टच नहीं करना है, ग्रीन साइड आपके चेहरे पे चिपका हुआ रहेगा। उसी तरीके से एरिया का भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मान के आपको चलना है, या फिर आपको मान के नहीं समझना है आपको कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको क्लियरेंस हो जानी चाहिए आपको। एरिया वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज दैट ये सतह रखी गई है जमीन पे, तो इस पे 90 डिग्री आपको ड्रॉ कर देने का है, इस सरफेस पे 90 डिग्री, जो प्लेन थी प्लेन पे जो 90 डिग्री होगी वो 90 डिग्री इसका डायरेक्शन कहलाएगी एरिया। मैग्नीट्यूड तो यहाँ से आ जाएगा, सपोज दैट ए है बी है सी है डी है, तो ए बी सी डी का एरिया जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है, यहाँ से तो भी 5 नहीं लेते हैं, 2 दिन का 4 लेते हैं, 2 और यहाँ पे 2, तो 2×2=4 मीटर स्क्वायर एरिया। और डायरेक्शन एरिया का क्या हो जाएगा, तो एरिया पे जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको भी, तो परपेंडिकुलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से, तो एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ एरिया। एरिया पे जो परपेंडिकुलर डब्बा होगा, यानी कि आपकी नोटबुक जमीन पे पड़ी हुई है, इस तरीके से आप कैमरा में देखिएगा आपकी नोटबुक ऐसे पड़ी हुई है, अपने नोटबुक के ऊपर में आप 90 डिग्री ऐसा कर देंगे इससे, दिस वन विल बी योर एरिया वेक्टर। आपको कैमरा में दिख रहा होता बात जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, 90 डिग्री ये जो एंगल रहेगी That will be along the surface, उस पर 90 डिग्री रखेंगे, that is the direction of the area vector. Now, ये हमने define किया कि 2×3 का significance क्या आ रहा है, यही इसका physical significance कहलाएगा, physical significance of vector product. तो यहाँ पे इसको topic में आप add कर लेंगे बाद में, यहाँ पे कि physical significance क्या आ रही है, आपको जो graph मिलेगी उसमें भी। आप समझिएगा कि जो हम वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस क्यों, क्योंकि क्रॉस इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने क्या किया था यहाँ पे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको सिग्निफाई कर रहा है। तो एरिया सिग्निफाई करता है, एरिया वेक्टर है तो 90 डिग्री लेके आएगा। इसका डायरेक्शन पता कैसे करेंगे उस पर भी हम कहानी में थोड़ा सा देखते हैं अभी, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर आपके पास में है ये रह गया बी,
आपको बी साइन थीटा निकालना था तो बी साइन थीटा इस पर 90 डिग्री परपेंडिकुलर होके आ जाएगा। मैं यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर वाला यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है बी साइन थीटा। आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे एक हिंज बैठा हुआ है, हिंज है, हिंज यानी कि पॉइंट है, कब्जा है, वहां पे एक डंडा चिपका हुआ है। अब बाकी चीजों को भूल जाइए, ऐसे बी साइन थीटा मिल गया, मैं बी को भूल जाता हूँ। अब हिंज पे एक जगह कुंडी लगा के फिक्स किया गया है, एक एक डंडा है, दिस इज ए स्टिक, और ये बी जो है वो फोर्स है, धक्का लगा रहा है। तो आप जब धक्का लगाएंगे तो डंडी कैसे घूमेगी, तो डंडी जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी, सिंपल सी बात है। आप उल्टा फोर्स लगाते हैं तो उल्टे दिशा से ये डंडी घूम के आती, तो डंडी का घूमना जो है एक सर्कुलर मोशन देगा। आप अपना उंगली को कैमरा में आप देखेंगे, अपनी उंगली को ऐसे ऐसे कर्व कर रहे होंगे तो आपको एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही होगी। यानी बोतल की कैप खोलिए, स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट कीजिए, अपना राइट हैंड स्क्रू रूल लेकर लगा लीजिए, जो कि आप बी ट्रिपल में डिप्लोमा में पढ़ चुके थे, सेम वही वाली कहानियां यहाँ पे विजिबल रहेंगी। इसको और तरीके से समझने की कोशिश कीजिए जरा सा, कि आपके पास एक स्क्रू होगा और स्क्रू ड्राइवर एक है, यू हैव अ स्क्रू ड्राइवर हियर, आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर रखा गया है और आपके पास एक स्क्रू भी है नीचे में, यहाँ पे ये वो स्क्रू हियर, स्क्रू उतना अच्छा से नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करेंगे। इसको स्क्रू में से धागे और पिंच लगेगा। अब आप जब इस सरफेस में, मान लीजिए कि एक सरफेस के अंदर में स्क्रू ढका हुआ है, आपको रोटेट कैसे करना है, इस तरीके से स्क्रू को रोटेट करना है। तो मुझे कौन एग्जांपल बताएगा, कविशा लाइन पे है बेटा? यस सर। हाँ, अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ऐसा रोटेट करूंगा कि जो स्क्रू है वो ऊपर की तरफ एरो जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, रेड की तरफ जाएगा या ग्रीन की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। फिर से ध्यान दीजिएगा, स्क्रू ड्राइवर से आप कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आपको खोलने का है, आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। आप अपने आंख बंद करके इसको जरा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपके टेबल के सामने में एक स्क्रू रखा हुआ है, आपने स्क्रू ड्राइवर फंसाया है उसके ऊपर और उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं, तो स्क्रू ऊपर आएगा या नीचे जाएगा टेबल के अंदर? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, डेड। हम इसको ओपन करें, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा हो, क्लॉकवाइज करेंगे तो डायरेक्शन नीचे जाएगा, ये पहले समझ लीजिए। इसको हम बोलेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, क्लॉकवाइज आपकी तरफ आता है, एंटी क्लॉकवाइज आपसे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ आएगा, क्लॉकवाइज आपसे दूर जा रहा होगा। ये कहानी हम पहले भी एक बार बी ट्रिपल में देख चुके हैं, क्लॉकवाइज मुझसे दूर और एंटी क्लॉकवाइज मेरी तरफ। अपना आप पानी का बॉटल ले लीजिए, पानी के बॉटल का कैप ओपन करने और टाइट करने की कोशिश की, जब आप पानी के बॉटल को टाइट कर रहे होते हैं तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं, जब ओपन करने की कोशिश करते हैं उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे होते हैं। जब टाइट करते हैं, क्लॉकवाइज करते हैं तो आपसे दूर जा रहा होता है ढक्कन, आप उसको इन कर रहे होते हैं। जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ढक्कन को, ओपन करेंगे तो आपकी तरफ आएगा, ढक्कन ऊपर आ रहा होगा। वही प्रोसेस यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमने जो वेक्टर्स के लिए बोला, यहाँ पे एक वेक्टर ए है और दूसरा वाला वेक्टर जो था यहाँ पे हमारे पास बी था। तो आपने क्या लिखा था यहाँ पे, आपने लिखा था ए क्रॉस बी। पहले आया है ए, तो ए को समझना पड़ेगा, ए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी। इसका मान ऐसे समझिए कि ए से, यानी वेक्टर ए से बी तक जाना है, वेक्टर बी तक जाना है, ठीक है, बी तक जाना है। दूसरा चीज आप ये समझ सकते हैं कि ए को मूव करना है, ए को मूव करना है, कैसे मूव करना है, तो बी साइन थीटा की हेल्प से, बी साइन थीटा की हेल्प से। बी साइन थीटा कैसे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मैं इसको डॉट दिखा देता हूं आपको, यहां पे ये हो जाएगा मेरा
बी साइन थीटा, इसकी मदद से आपको मूव करना, बीच का एंगल थीटा तो रहेगा ही आपका, थीटा ए बी, आपको मूव किधर करना है, ए से बी तक, तो ए को उठाइए और बी की तरफ जाइए, ये डायरेक्शन बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, डायरेक्शन को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन आपका एरिया का डायरेक्शन देगा, वेक्टर का डायरेक्शन देगा, ये गड़बड़ कर गए तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो अब ऐसे जा रहे हैं तो किधर आएगा, सरफेस ऊपर आएगा, आप अपनी नोटबुक को जमीन समझ लीजिए, आपको ऊपर आएगा, मैं 3D में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से आएगा ये, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये आपके पास 3 डायमेंशन एक सरफेस पड़ी हुई है, ये जमीन वाई की है, ये जमीन एक्स की है और ये जमीन जेड वाली है, जो सबसे सेकंड लेक्चर में हमने बातें करी थी। तो यहाँ पे एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा बैठा हुआ है यहाँ पे, इस जमीन पे है वेक्टर ए वेक्टर बी, ये इसी सरफेस पे है, यहाँ पे थीटा है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जाएंगे, तो स्क्रू को ध्यान में लाइए, आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, स्क्रू ऊपर आएगा, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके वेक्टर की, यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठता हुआ दिखाई देगा, ये डायरेक्शन किसकी होगी, तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर की होगी, यानी कि इस सरफेस से ऊपर आ रहा है, सरफेस से 90 डिग्री लेके जा रहा है, इसलिए इसको एन कैप से रिप्रेजेंट करें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करें, ये परपेंडिकुलर जो होगा ये बी पे भी होगा, ये परपेंडिकुलर ए पे भी होगा, यानी कि जैसा पहले ही मैंने समझाया, आप जरा कैमरा में देखेंगे अपने, कि अगर आपके पास कोई सरफेस है तो सरफेस पे ये परपेंडिकुलर रहेगा, दोनों के डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर, आपकी उंगलियां ऐसे जो आप 3 डायमेंशन करके चलते थे उस तरीके से ही आपकी उंगलियां बन जाएंगी। तो ए क्रॉस बी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं, उसके हिसाब से ही हम एंगल पता करके लाएंगे, जिसका जो आउटपुट हम लिखेंगे, आउटपुट ऐसा लिखेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, साइन थीटा किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच का साइन थीटा, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया देगा, पर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, एन कैप लिखते हैं, एन कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, यहाँ पे हम एन कैप को लिख लेते हैं कि व्हाट एन कैप रिप्रेजेंट, आपको यहाँ पे ध्यान में रहेगा, मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ था, यहाँ पे आपके डेफिनेशन में कहाँ गया, यहाँ पे ये देखिएगा, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन फॉर्मड बाय वेक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा ए बी इज अगेन द स्मॉलर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, यानी कि ए और बी जिस प्लेन में बैठे हुए हैं उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, एन कैप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के भी, और जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी, दोनों पे परपेंडिकुलर बैठा हुआ रहेगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को, दोस्त किसी भी मित्र को? नो सर। ठीक है, चलिए फटाफट एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इसके बहुत यूजेज आने वाले होंगे आपके पास में। हम सरफेस ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे, ये एरिया बन के आ जाएगी हमारे पास में, पैरेललोग्राम मान लेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा, इधर पे जा रहा है ए, इधर पे जा रहा है बी, इससे मेरा वेक्टर मिलेगा वहां पे, इसे परपेंडिकुलर मिल जाएगा, दैट विल बी एन कैप एंड दिस आउटपुट विल बी ए क्रॉस बी, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हमारे पास होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, क्या सिग्निफाई कर रहा है, एरिया, एरिया कौन सा जो ए और बी के बीच में शेडेड पोर्शन है, जो कि ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, दैट विल बी द ग्रीन शेडेड एरिया। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज में ये नॉन कम्यूटेटिव रहता है, इसका कम्यूटेशन नहीं होगा, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन में नहीं जाएगा। किस तरीके से नहीं जाएगा प्रॉपर्टीज में, यानी कि पहला हो जाएगा नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी, बदल जाएगी डायरेक्शन। तो कैसे लिख सकेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखना है तो इक्वल टू माइनस साइन लगा के आप बी क्रॉस ए चाहें तो लिख सकते हो, इस बात को ध्यान रखना होगा, इट इज नॉन कम्यूटेटिव। दूसरा है कि ये आउटपुट वेक्टर जो है वो आउटपुट जो मिलेगा दैट इज
product scalar, sorry, output is vector. Output is a vector, yani ki product vector. Product is vector, जो multiply कर रहे, product कर रहे हैं, और वो क्या होगा? And output is perpendicular to both, किसके both में? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पे. ये कहानी हम पहले ही बता चुके हैं, इनके प्लेन पे भी परपेंडिकुलर रहने वाला है. तीसरी कहानी इसकी रहेगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होगा. डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे शो करेगा? क्या आपके पास वेक्टर ए है, इसको आप क्रॉस कर रहे हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से, तो आप ले सकते होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. यहाँ पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इस कहानी के बाद में हम जरा देखें कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स में आउटपुट कैसे कैसे आएंगे हमारे पास में. तब उसके आगे से हम इसके थोड़े से और डेफिनेशन हम शो कर लेंगे. यानी कि अगर आप लिखते हैं एक्स कैप एक्स दिशा में क्रॉस एक्स दिशा में करते हैं, तो दोनों की दिशाएं सेम हो गई, तो वन डॉट दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया. बीच का एंगल लिखेंगे हम, दोनों एक डायरेक्शन में, तो जीरो डिग्री हो जाएगा. जीरो डिग्री हो जाएगा तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, और ये परपेंडिकुलर भी रहेगा इन दोनों पे, जो आउटपुट आने वाला होगा. पर मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो क्या डायरेक्शन होगा? कोई चीज मैग्नीट्यूड लेके बैठेगी तो इसका डायरेक्शन हम बता भी पाएंगे. उसी तरीके से ही वाई क्रॉस वाई करेंगे वो भी जीरो आ जाएगा, एंड जेड क्रॉस जेड करेंगे तो वो भी हमारे पास जीरो आ जाएगा. इन सेम डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट इज जीरो, सेम डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दे के आएगा. अब आप इसका अलग ले लेंगे, यानी कि 90 डिग्री वाले पे ले लेंगे. एक्स वाई जेड को आपको समझ रखेंगे क्या चीजें होती हैं. ये पहले भी हम बता चुके हुए हैं, इनमें जो एक्सिस रहते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस, इसको ध्यान में आप रखेंगे दोस्तों. नाउ अब अगर आप करते हैं एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स का मैग्नीट्यूड, वाई का मैग्नीट्यूड और साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. हम पहले डिफाइन कर चुके हैं तीनों 90 डिग्री पे बैठते हैं, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वन होता है तो क्या हो जाएगा मेरे को, सॉरी यहाँ पे एक एन कैप भी रखना पड़ेगा ना इनका डायरेक्शन शो करने के लिए. आउटपुट क्या हो जाएगा? वन. अब परपेंडिकुलर कौन है? एक्स पे भी परपेंडिकुलर हो और वाई पे भी परपेंडिकुलर हो, कौन सी चीज है? तो है जेड. तो वन जेड की दिशा में. आप अलग लेके आएंगे फिर वाई क्रॉस जेड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की दिशा में. हाँ सही है. फिर आप करेंगे z क्रॉस x करेंगे तो आपको आ जाएगा y. याद रखने के लिए तरीका क्या देखेंगे आप? इधर x है, इधर y है, इधर z है, z कैप x कैप y कैप. तो एक दिशा से जाएंगे तो दूसरे का आउटपुट मिलता है, यानी कि आप x से y जाएंगे तो आउटपुट z मिलेगा. आप y से z जाएंगे यानी कि y क्रॉस z करेंगे तो आउटपुट x मिलेगा. आप z क्रॉस x करेंगे तो आप y मिलेगा, यानी कि तीनों के आगे वाला x क्रॉस y तो z, z क्रॉस x तो y, y क्रॉस z तो x. ये सर्कुलर मोशन में चलता है जिसको आप ध्यान में रखते चलेंगे. रिप्रेजेंट आप और तरीके से कर सकते हैं ऐसे, आपके पास है x, यह है y, यह है z, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सभी के सभी ये गोल में घूमते रह जाएंगे ऐसे. ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बी सर्कुलर. x के बाद y, y के बाद z. सीक्वेंस बदलिएगा नहीं, सीक्वेंस बदलेंगे तो लोचे में फंसेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए. इसको जरा क्लासीफाई करके हम देख लेते हैं. यानी कि मेरे पास एक वेक्टर होगा a वेक्टर, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अपने वही पुराने वाले तरीके से ही. ए एक्स एक्स डायरेक्शन में प्लस ए वाई वाई डायरेक्शन में प्लस ए जेड जेड डायरेक्शन में. दूसरा वेक्टर ले लेंगे वेक्टर बी, जो कि हो जाएगा बी एक्स एक्स डायरेक्शन में प्लस बी वाई वाई डायरेक्शन में प्लस बी जेड जेड डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ पे. अब इसके आगे से हम ए क्रॉस बी करने वाले सोचते हैं अगर हम, तो क्या मिलेगा हमें? ए क्रॉस बी, सारे फॉर्मूले एक जगह लिखे जा रहे हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में सहूलियत रहे दोस्त. आउटपुट क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बीच का एंगल साइन थीटा बिटवीन ए एंड बी, जो छोटा वाला एंगल होगा वो लेना है, एंड अ वेक्टर दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दी बोथ. उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो एन कैप से हम रिप्रेजेंट करेंगे. इसके मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे क्रॉस बी को? इसके लिए आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी पड़ेगी. मैट्रिक्स में हम तीन डायरेक्शन ले लेंगे, एक्स वाला,
y वाला और z वाला, एंड हियर इट विल बी ए एक्स, हियर इट विल बी ए वाई, हियर इट विल बी ए जेड, तो उसके नीचे आ जाएगा आपका बी एक्स, उसके नीचे आ जाएगा आपका बी एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी जेड। एंड आपको ये मैट्रिक्स जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ए क्रॉस बी का आउटपुट पता चल जाएगा। आप घर जाके सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिएगा x की बात हो रही है तो अंदर में x नहीं आएगा, मैं पहले x का प्रोडक्ट लिखूंगा, तो लिखता हूँ a और b, बीच में माइनस साइन लगा दीजिए, फिर a और b, और किस दिशा में लिखने वाला हूँ, x दिशा में लिखने वाला हूँ। तो x के बाद क्या आता है, y और z आते हैं, तो पहले y फिर z, उसके बाद फिर z और उसके बाद y, ये कैप आपका मिल जाएगा। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड डी वाई एक्स की दिशा में, प्लस y वाला लिखने वाला हूं, तो a b माइनस a b ब्रैकेट, यहाँ पे y डायरेक्शन शो कर देंगे। y हट गया तो y के बाद क्या आएगा, z आएगा, z के बाद x आएगा, तो पहले आएगा z फिर आएगा x, उसको उल्टा कर दीजिए, x कर दिया यहाँ पे z कर दीजिए, ये आपका हो गया y वाला। फिर प्लस लिख के z वाला लिखना है, तो a b माइनस a b z कैप लिखना है, तो z के बाद क्या आता है, x आता है फिर y आता है, तो पहले x फिर y फिर y फिर x, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, वाई डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, इस तरह से आपको आउटपुट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे, और आपके लिए वही क्वेश्चन रहेगा जो पुराना वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया था, जिसमें a का जो वैल्यू था वो था 2x कैप, 2x कैप था ना, हाँ 2x कैप प्लस 1y कैप प्लस 3z कैप, और b वेक्टर जो दिया गया था आपको जिसके मैग्नीट्यूड था 1x कैप माइनस 3y कैप एंड प्लस 2z कैप। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें a क्रॉस b पता करना है और थीटा a एंड b पता करना है। थीटा सेम ही आने वाला है बट आप अलग तरीके से इसमें पता करने के लिए कोशिश करेंगे। क्लियर है विद्यार्थी सभी के लिए, कोई डाउट किसी को, कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें